नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जानना है कि पहला गाय अस्पताल कहाँ खुला है, या फिर अगर आपको जानना है कि वक्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, या फिर अगर आपको जानना है कि कौन से राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है, या फिर अगर आपको जानना है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में कौन सी फिल्म को बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या फिर अगर आपको जानना है कि पंजाब के कौन से क्षेत्र में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रश्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हैं तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 24 और 25 नवंबर 2020 की करंट जीके और शुरुआत करते हैं 24 और 25 नवंबर से। क्या कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड 19 के बारे में जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। शुरुआत करते हैं 24 और 25 नवंबर 2020 से। क्या कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड 19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान कौन सा अभियान है हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया। ठीक है, क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड 19 के बारे में जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान, कौन सा अभियान है, हिम सुरक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत की है। याद रखना, इसके साथ साथ में टीवी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसी काफी बीमारियों के लिए डोर टू डोर अभियान भी शुरू किया है। याद रखना क्या कि टीवी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसी बीमारियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए डोर टू डोर अभियान भी शुरू किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भी कौन से राज्य ने डोर टू डोर अभियान शुरू किया है, तो वो कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश आंसर आएगा। अब थोड़ी सी बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, 25 जनवरी 1956 को इसकी स्थापना हुई है। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो सबको पता है हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, वो है जयराम ठाकुर। ठीक है, और इसके राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, अभी रिसेंटली बनाए गए हैं राज्यपाल, वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और रही बात राजधानी की, तो राजधानी कौन सी है, दो राजधानियां हैं, एक तो है शिमला, एक है धर्मशाला। कौन कौन सी है, शिमला और धर्मशाला। राजधानियों की बात करें तो शिमला है वो समर की है और धर्मशाला है वो विंटर की है भाई। ठीक है, आगे है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीएसबी बैंक में करने के आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। क्या था कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है अब उसका विलय हो गया कौन से बैंक में, डीएसबी बैंक के अंदर हो गया। अब ये डीएसबी बैंक है क्या, डीएसबी बैंक की बात करें तो डीएसबी बैंक है द डेवलपमेंट
बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ठीक है, कौन सा बैंक है, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ये डीएसबी बैंक है। और रही बात इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 के अंदर हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय, तो वो कहां है, सिंगापुर। और इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है इसके पीटर सेच। और इसके सीईओ, सीईओ है पीयूष गुप्ता, ठीक है। फटाफट या तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में मनाया जाता है, ये इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसका उन्मूलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें अब की बार इसकी थीम की, विषय क्या था इसका, इसका विषय था ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, ये रखा गया था भाई, ठीक है। अच्छा, साथ में हम पढ़ लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सबको पता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और अब की बार इसका विषय क्या रखा था, इसका विषय रखा था चूज टू चैलेंज, ठीक है, कौन सा विषय था, चूज टू चैलेंज। और अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस है वो कब बनाया जाता है, 19 नवंबर को बनाया जाता है भाई, ठीक है। आगे है दिग्गज टीवी अभिनेता आशीष रॉय का निधन हो गया, ठीक है। और साथ में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन हो गया, ठीक है, किसका निधन हो गया भाई, एक तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, राज्यसभा सांसद भी अहमद पटेल, और आशीष रॉय है, इनका भी निधन हो गया। याद रखना ये सोनिया गांधी के सलाहकार थे, अहमद पटेल सोनिया गांधी के सलाहकार थे, ठीक है। फटाफट या तक स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे है कि नेटफ्लिक्स शो दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतरराष्ट्रीय
एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब जीता। ठीक है, क्या था कि नेटफ्लिक्स के ऊपर एक शो आता है दिल्ली क्राइम, उसने 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 के अंदर बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब जीता है। भाई याद रखना, अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज बनी है। ठीक है, और इसके अंदर अभिनय किसने किया है? अगर अभिनय की बात करें तो अभिनय किया है सैफाली शाह, और दूसरी तरफ अगर बात करें इसकी लेखन व निर्देशन की बात करें तो वो किया है ऋचा मेहता। ठीक है, आगे है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में ₹107.83 करोड़ रुपए की लागत का मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। ठीक है, क्या किया है जो कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने, इन्होंने कपूरथला जिले के अंदर फगवाड़ा है, फगवाड़ा में 107.83 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क का क्या किया है, उद्घाटन किया है। अब थोड़ी सी बात पंजाब की करें, पंजाब के राज्यपाल की बात करें तो पंजाब के राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर। और इसके मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि चीन ने पहली बार चांद पर सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चांग 5 लॉन्च किया है। ठीक है, क्या किया है चीन ने जो चांद के ऊपर है नमूने लेने के लिए एक मून मिशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? चांग 5, वो लॉन्च किया है। याद रखना, अब तक केवल दो ही लेके आ चुके थे, अब तक केवल अमेरिका और रूस नमूने इकट्ठे करने में कामयाब रहा। अच्छा, आखिरी मिशन की बात करें, आखिरी मून मिशन है रूस का था 1969 में, वो कौन सा था? लूना 24। कौन सा था वो? लूना
1969 में था, वो आखिरी मिशन था रूस का। अब थोड़ी सी बात चीन की कर लेते हैं। चीन है, इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग। और रही बात मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कौन सी इसकी मुद्रा है? रेनमिनबी या फिर युआन। दूसरी तरफ इसके अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो चीन का प्रेसिडेंट कौन है? सबको पता है, सी जिनपिंग। और इसके प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री है ली केक्यांग। ये इसके प्रधानमंत्री है। आगे है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा में 23 से 24 नवंबर 2020 तक आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, क्या किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है? उन्होंने जिनेवा के अंदर 23 से 24 नवंबर तक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कौन सा था? अफगानिस्तान सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें भाग लिया है। याद रखना, यहां पर हमने घोषणा की है, वो क्या घोषणा की है? वो घोषणा थी कि जो सतूत बांध है फूल ए खुमरी ट्रांसमिशन लाइन पर भारत निर्माण करेगा। कौन निर्माण करेगा भाई? इसका निर्माण भारत करेगा। अच्छा, बात करें इसकी राजधानी की, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? सबको पता है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और इसके राष्ट्रपति कौन है? अगर मैं बात करूं इसके राष्ट्रपति की तो वो है अशरफ घानी। और इसकी मुद्रा मुद्रा है अफगानी मुद्रा है। ठीक है, कौन सी मुद्रा है? अफगानी। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, क्या किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन है, इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं गुजरात की, तो इसकी राजधानी कौन सी है गुजरात की? गांधीनगर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर बात स्थापना की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 को हुई थी। इसके मुख्यमंत्री कौन है? बात मुख्यमंत्री की करें तो इसके मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है इसके आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत क्या इसके राज्यपाल है। आगे है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या 2 गुना करने के लिए
दस वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 साल में हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 यानी कि टाइगर्स टाइम 2 से नवाजा। याद रखना 2014 में 25 से बढ़कर 2018 में 65 हो गई संख्या, ठीक है। कितने से कितने होगी, 25 से बढ़कर कितनी होगी, 65 होगी। आगे है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान निवार आया, कौन सा भी ये निवार आया है भी, फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के बलिदान के रूप में मनाया गया, ठीक है। याद रखना 24 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने सरेआम इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इनको फोर्स डाला गया था धर्म परिवर्तन के लिए और पूरी कौम के लिए इन्होंने क्या कर दी थी, अपने खुद की शहादत दे दी। क्या था कि 24 नवंबर 1675 को औरंगजेब के आदेश पर इनकी सार्वजनिक तौर पर हत्या कर दी थी, ठीक है। और अगर बात करें वो जल्लाद कौन था, उस जल्लाद की बात करें तो वो जल्लाद था जलालुद्दीन, इन्होंने सिर धड़ से अलग कर दिया था भाई, ठीक है। आगे है कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल खोला जाएगा, ठीक है। कहां खोला जाएगा, डिब्रूगढ़ जिले के अंदर गाय अस्पताल खोला जाएगा और वो भी कहां पर, असम के अंदर। अब थोड़ी सी बात असम की कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और इसके राज्यपाल कौन है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है जगदीश मुखी, ठीक है। कौन है, जगदीश मुखी। अच्छा यहां पर एक है गुवाहाटी, गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी को किसके नाम से जानते हैं हम, गुवाहाटी को सिटी ऑफ टेंपल्स और लाइट ऑफ द ईस्ट और गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 24 और 25 नवंबर 2020 की करण जी के, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारी YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में।
और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।